हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पी हेल्प। अपने आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दैट इज कमेंट्स इन HTML। हो सकता है आपको कमेंट्स का नॉलेज ना हो कि कमेंट्स क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको बताऊंगा जैसे इसको हम देख के एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मान लो इस पेज को जब मैं रन करूंगा, जैसे P दिया गया है, H1, हेडिंग्स सब दी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं इस पेज को जब रन करूँगा, इसको मैंने सेव किया था कमेंट्स वन, जो नाम है कमेंट्स वन से मैंने इसको सेव किया था। इसको मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया, रन किया। अब जब रन किया तो यहाँ पे लिखा रहा है सब जगह वेलकम टू कॉम्पी हेल्प, और ये हेडिंग्स लिखी आ रही हैं, और यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा गया है। अब इसमें क्या है, आपको दोनों चीज़ें दिख रही हैं, आपको हेडिंग्स भी दिख रही हैं और पैराग्राफ भी दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि अब आपको हेडिंग्स ना दिखें, कहाँ पर जा करके वेब ब्राउज़र पर यहाँ पर, और पैराग्राफ दिखे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से हटाना होगा। अब जब यहाँ से हटाएंगे आप, देखो आप जब यहाँ से हटाएंगे इसको, तो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे आप रिफ्रेश करें तो यहाँ से हट जाएगा। तो पर अब आप चाहते हो इसको नोट करना था, मान लो तो ये तो यहाँ से गायब हो गया। अब मान लो आपने यहाँ पर इसको मैंने फिर से वापस ले आया, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहे भी और वहाँ पर आए भी ना वेब ब्राउज़र पर, आपको दिखे बट वहाँ पे ना दिखें। तो ऐसी कोई चीज़ जो है जिसको आप यहाँ पे अपने लिए लिखना चाहते हैं ताकि फर्दर आप उसे रेफ़र कर सकें, तो और जो वेब ब्राउज़र पर ना आए। जैसे मान लो आपने किसी को, जैसे यहाँ पे मान लो ये क्या है, ये पैराग्राफ टैग है, तो मैंने लिख दिया पढ़ाने के लिए दिस इज़ पैराग्राफ टैग, ये लिख दिया। अब दिस इज़ पैराग्राफ टैग जो है, अगर मैं इसको चलाऊँगा और रन करूँगा तो ये भी लिखा आएगा, देखो ये भी लिखा आएगा। मैं चाहता हूँ ये यहाँ लिखा ना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए बस, जिस कोड को देख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, और ठीक है ये लगाया, इसके पहले आप लगा देंगे यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और एंड में आप जहाँ पे जहाँ तक चाहते हैं वहाँ पर ये फिर से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये लगाएंगे ऐसे करके, और ये लगाएंगे ऐसे करके। इसको फिर आप सेव करेंगे, और फिर उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे वो आपका यहाँ तो दिख रहा है आपको, बट वहाँ पे वो नहीं दिख रहा। ऐसे ही अगर आप हेडिंग को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, और ये लिख दिया ऐसे करके, आपको यहाँ पे दिख रहा है जहाँ तक आपको लेके जाना है। तो ये है हमारे कमेंट्स, सेव किया मैंने और फिर से चलाया इसको, और यहाँ पर रिफ्रेश किया, वो भी वहाँ से हट चुका है वेब ब्राउज़र से, नहीं दिख रहा आपको, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कमेंट्स हम जो यूज़ करते हैं, हम ये कहते हैं कमेंट्स आर यूज्ड टू मेक द डिस्क्रिप्शन अबाउट द कोड। यहाँ पे मैंने इसको चलाया तो ये यूज़र जो होगा उसको भी दिखेगा, बट मैं चाहता हूँ यूज़र को ना दिखे, ये आपके लिए है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। यूज़र मतलब जो वेब ब्राउज़र पे जाता है, और ये है जो वेब डिज़ाइनर है, ये वेब डिज़ाइनर है, जो वेब डिज़ाइनर मतलब जो डिज़ाइन कर रहा है इसको, इस HTML पेज को बना रहा है, तो उसके लिए हमने एक कमेंट बनाया। तो ये है कमेंट आपका, तो इसे कहते हैं HTML कमेंट, इस तरह से लगाया जाता है। ये है HTML कमेंट, ये सॉरी ये सिर्फ इतना, और जहाँ तक आपको चाहिए एट द एंड आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ये फुल स्टॉप नहीं है, बस ये है, दिस इज़ द HTML कमेंट। अब अगर देखें तो HTML कमेंट है ऐसे करके, एक्सक्लेमेशन कुछ ऐसे लगाया, बीच में जो लिखना है वो लिखा, और उसके बाद ऐसे किया और ऐसे बंद कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे मान लिख दिया यहाँ पर वेलकम टू कॉम्पी हेल्प, और उसको बंद कर दिया, तो वेलकम टू कॉम्पी हेल्प आपको दिख रहा है बट यूजर को नहीं दिखेगा। तो ये है हमारा, इसे हम कहते हैं HTML कमेंट। थैंक यू वेरी मच।